नमस्कार, मैं हूं नंदिनी साहू और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 यूट्यूब चैनल। अब खबरें विस्तार से। आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस के अवसर पर बाबा साहेब अम्बेडकर को याद किया गया। अखिल भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा राजधानी के अम्बेडकर चौक में संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें स्मरण किया गया। संविधान दिवस के अवसर पर बाबा साहब अम्बेडकर को याद किया गया। इस मौके पर अखिल भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा राजधानी के अंबेडकर चौक में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया और उनके द्वारा किए गए कार्यों को स्मरण किया गया। इस अवसर पर बौद्ध महासभा के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। गुजरात चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी संकल्प पत्र को जारी कर दिया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने अपनी पार्टी के घोषणा पत्र की विशेषताएं गिनवाई, जिसमें उन्होंने बताया कि गुजरात को और विकसित किया जाएगा, यहां सड़कों का जाल बिछाया जाएगा और महिलाओं के लिए भी फ्री शिक्षा के साथ 1,00,000 नौकरियों का ऐलान किया। गुजरात चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी संकल्प पत्र जारी कर दिया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि गुजरात को और विकसित किया जाएगा, सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। उनके संकल्प पत्र में महिलाओं को लेकर भी कई घोषणाएं शामिल हैं। इनमें महिलाओं को फ्री शिक्षा का प्रावधान किया गया है, साथ ही महिलाओं के लिए 1,00,000 सरकारी नौकरियों का भी ऐलान किया गया। श्री कृष्ण जी, भगवान कृष्ण जी की बहुत बड़ी मूर्ति भी बनेगी। फ्री भी गीता का बारे में हमको जानकारी फ्री डायमेंशनल तरीके से मिल सके, इसका मोस्ट मॉडर्न एग्जिबिट करने का भी प्रयास वहां पर होगा। और इसके साथ साथ एक गैलरी भी बनेगी, जिस गैलरी में जो द्वारका की ग्लोरी थी, जो गौरव था द्वारका का, वह दुनिया को दिखाया जाएगा। इस तरीके से छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार आदिवासियों पर राजनीति कर रही है। उन्होंने पूछा कि राज्य में बंद नियुक्तियां क्या 3 दिसंबर 2022 से प्रारंभ हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार आदिवासियों के साथ राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव को देखते हुए सरकार ने आनन-फानन में आरक्षण को लेकर विधेयक प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने पूछा कि क्या राज्य में 3 दिसंबर 2022 से नियुक्तियां प्रारंभ होंगी। कहीं ना कहीं से ये सरकार हमारे लोगों को आरक्षण खत्म करना चाह रही है। और आज मैं कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहता हूं, आज उपचुनाव के चलते आपने आनन-फानन में आपने कैबिनेट के माध्यम से प्रस्ताव ले आया, लेकिन इसके प्रति आपके क्या किस तरीके से तैयारी है, इस पर आपको जवाब देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या 3 दिसंबर 2022 से क्या सारी नियुक्तियां जो आज खत्म हो चुकी हैं फिर से बहाल हो जाएगी, क्या फिर से वहां पर नियुक्तियां प्रारंभ हो जाएगी। क्या 104 से ज़्यादा हमारे MBBS के छात्र जो इस बार प्रवेश नहीं ले पाए, क्या वो फिर से प्रवेश ले पाएंगे, इस बात का जवाब इस कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य अनियमित जीवनदीप कर्मचारी कल्याण महासंघ ने एक दिवसीय धरना देकर अपने नियमितीकरण की मांग की, साथ ही वेतन मांग में बढ़ोतरी की बात भी रखी। महासंघ के सदस्यों ने बताया कि उन्हें कम वेतन देते हुए 24 घंटे काम लिया जाता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य अनियमित जीवनदीप कर्मचारी कल्याण महासंघ ने एक दिवसीय धरना दिया। धरने के माध्यम से जीवनदीप कर्मचारी कल्याण महासंघ ने बताया कि उन्हें हमेशा छटनी की चेतावनी दी जाती है, साथ ही नियमित न रहते हुए भी कम वेतन में उनसे 24 घंटे काम लिया जाता है। बता दें कि जीवनदीप स्वास्थ्य कर्मचारी संघ पंजीकृत हैं तथा इन्हें नियमित करने का आश्वासन भी दिया गया था, जिस पर आज तक अमल नहीं किया गया। कि जीवनदीप समिति में कार्यरत किसी भी कर्मचारियों की छटनी न किया जाए और सरकार अपने घोषणा पत्र के अनुसार बिंदु क्रमांक 11 और 30 के तहत अनियमित कर्मचारियों को रेगुलर करे और किसी भी कर्मचारी को छटनी ना करने का जो घोषणा पत्र में वादा किया है उसको पूर्ण करे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, रुकते हैं एक छोटे सा ब्रेक के लिए। होम्स लॉजी, प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। जैसी हो आपकी कल्पनाएं वैसा ही हम घर बनाएं। उन्नत तकनीक और बेहतरीन POP कार्य के साथ उच्चतम मटेरियल
और रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट द्वारा निर्माण, वास्तु के अनुसार निर्धारित क्षेत्र में संतुष्टिपूर्ण मकान, होम्स लॉजी प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। वाओ, मैंने ऐसे ही घर की कल्पना की थी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में पानी की सप्लाई के दौरान नलों से गंदा पानी आ रहा है, जिसकी लगातार शिकायत के बाद पार्षद पीयूष मिश्रा ने प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पार्षद पीयूष मिश्रा ने पानी की टंकियों को साफ कराने और पाइपलाइनों की जांच की मांग की। पार्षद ने गंदे पानी से भरी बोतल महापौर के लिए भिजवाई। भिलाई नगर निगम के कई क्षेत्रों में पानी की सप्लाई के दौरान नलों से गंदा पानी आ रहा है, जिसे लेकर पार्षद पीयूष मिश्रा ने मोर्चा खोल दिया और निगम प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्षद पीयूष मिश्रा ने एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें जल्द से जल्द पानी टंकियों और पाइपलाइनों की जांच की मांग की गई। पार्षद ने इस प्रदर्शन के दौरान गंदे पानी से भरी एक बोतल महापौर के लिए भिजवा दी। भानु प्रतापपुर उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में तेजी ला रही हैं। पार्टी के तमाम नेता लोगों के घरों में जाकर वोट मांग रहे हैं। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उन्हें आदिवासी समाज का समर्थन प्राप्त है। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार सावित्री मंडावी ने कहा कि उनके पति स्वर्गीय मनोज मंडावी ने आदिवासियों के लिए लाठियां खाई हैं, वे उनके कार्यों के दम पर ही जीत कर दिखाएंगी। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को ज्यादा वक्त नहीं बचा है। दोनों ही पार्टियों के नेता घर घर जाकर मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता व पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने दावा किया कि आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में उतर चुका है, इसलिए हमारी पार्टी जीत दर्ज करेगी। तो इससे हमको इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि अगर आदिवासी समाज पूरी तरह बीजेपी के समर्थन में आ गया है तो फिर बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। और भूपेश बघेल जी, उनकी सरकार, उनकी रीति नीति, उनके भ्रष्टाचार, उनके भुलावे में रखने के कामों को आदिवासी समाज नकारेगा। सर, आपने जो इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और उम्मीदवार सावित्री मंडावी भी प्रचार में लगकर वोट की अपील कर रहे हैं। सावित्री मंडावी ने कहा कि उनके पति स्वर्गीय मनोज मंडावी ने आदिवासियों के लिए लाठियां भी खाई थी, उनके लिए कई कार्य किए, वही हमारा आधार है। मनोज मंडल हमेशा आदिवासी को हित के लिए सोचते थे और वो मेरे को याद है 19 मार्च 2012 को जो है खुद लाठी भी खाए और जेल में भी रहे, तो हमेशा आदिवासियों के हित में ही सोचते थे। बिलासपुर में महादेव ऐप और ऑनलाइन सट्टा पर कार्यवाही करते हुए 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस को 24,07,000 बरामद हुए। बिलासपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर राजेंद्र जायसवाल ने बताया कि पूरे प्रदेश में लगातार ऐसी कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर में महादेव ऐप और रेड्डी ऑनलाइन सट्टा पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2,47,000 रुपए बरामद किए गए। प्रदेश भर में हो रही लगातार कार्रवाई के अंतर्गत पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की और इन आरोपियों को पकड़ा। इनके पास से लैपटॉप और कई मात्रा में मोबाइल भी जब्त किए गए, जिनसे ऑनलाइन गेम का संचालन किया जाता था। महादेव ऐप और रेड्डी ऑनलाइन ऐप के माध्यम से सट्टा खिलाने की सूचना मिल रही थी, जिसमें सभी जगहों में अलग अलग जिलों में लगातार कार्रवाई जारी है। इसी तारतम्य में पूर्व में बिलासपुर जिले में भी कार्रवाई की जा चुकी है और तोरबा पुलिस को सूचना मिली थी कि तोरबा थाना क्षेत्र में कुछ युवक महादेव ऐप के माध्यम से सट्टा खिलाने का कार्य कर रहे हैं, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों की निर्देश पर इस कार्यवाही को किया गया, जिसमें 7 युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 6 लैपटॉप, 6 मोबाइल और 2,47,000 नकद तथा बैंक अकाउंट में 1,05,000 रुपये को फ्रीज किया गया है। यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। भाजपा नेता ओपी चौधरी ने संविधान दिवस के दिन पीएससी की वैकेंसी न आने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 26 नवंबर को पीएससी की वैकेंसी आ जाया करती थी तथा अगले वर्ष तक सभी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाती थी। पूर्व कलेक्टर व भाजपा नेता ओपी चौधरी ने संविधान दिवस के दिन पीएससी की वैकेंसी न आने को लेकर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान आज के दिन
पीएससी की वैकेंसी आ जाया करती थी तथा अगले वर्ष तक सभी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली जाती थी। चौधरी ने इसके लिए राज्य की कांग्रेस सरकार की बदनीयति की राजनीति को जिम्मेदार बताया। संविधान दिवस के दिन पीएससी की वैकेंसी आ जाती थी और अगले संविधान दिवस से पहले प्री मेंस और इंटरव्यू की प्रक्रिया को पूरा करके कंप्लीट कर लिया जाता था और अगले संविधान दिवस को अगले साल की वैकेंसी आ जाती थी। लेकिन आज दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार की बदनीयति के कारण, उनके खराब राजनीति के कारण पीएससी की वैकेंसी आज संविधान दिवस के दिन नहीं आ पाई है। ये सरकार केवल गलत राजनीति करने का काम कर रही है, बदनीयति से काम कर रही है, इसी कारण आज छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों को इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। जगदलपुर पुलिस ने नशीले पदार्थों और सट्टा पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लगातार चल रही कार्यवाही के अंतर्गत गिरफ्तार आरोपियों के पास से नशीले पदार्थ और सट्टा पट्टी के साथ हजारों रुपए बरामद हुए। जगदलपुर पुलिस ने नशीली सिरप और सट्टा पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारियां की। जानकारी के अनुसार नशीली सिरप पर 2 दिनों में यह तीसरी कार्रवाई है, जिसमें पथरागुड़ा चौक से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 11,840 रुपए के नशीले पदार्थ बरामद किए गए। कल सिद्धार्थ शेखर स्वाई जो कि नवरंगपुर उड़ीसा का रहने वाला है, साथ ही पवन त्रिपाठी जो कि जगदलपुर का रहने वाला है, इनके कब्जे से 80 नग प्रतिबंधित सिरप जिसकी कीमत 11,840 रुपए है, साथ ही 2 मोटरसाइकिल इनसे बरामद की गई है। ये पथरगुड़ा क्षेत्र जगदलपुर से गिरफ्तार किए गए हैं तथा इनके विरुद्ध 21 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह सट्टा पर कार्रवाई करते हुए आमागुड़ा और बोध घाट से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से सट्टा पट्टी के साथ 55,000 रुपए बरामद किए गए। थाना कोतवाली ने नितेश कुमार गेंडरे को रंगे हाथों जुआ और सट्टा खिलाते पकड़ा। इसके कब्जे से 30,000 रुपए एवं सट्टा पट्टी बरामद हुए। थाना बोध घाट द्वारा अंबरनाथ को सट्टा खिलाते हुए पकड़ा गया, जिसके कब्जे से 25,000 रुपए एवं सट्टा पट्टी बरामद किया गया। इन दोनों के खिलाफ पृथक से 4 का जुआ एक्ट के अंतर्गत थाना में अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूले। नमस्कार।